सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशिमा महाजन आज उपवाक्य यानी कि क्लॉज के बारे में आपको समझाने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आपको वाक्य पता ही है क्या होता है? जी हाँ, सार्थक शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जो अपना अर्थ पूरी तरह व्यक्त कर सके। और उपवाक्य क्या है? वाक्यों का ऐसा भाग जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ हो, जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बताऊं, जब किसी वाक्य में एक से अधिक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक सेंटेंस है लेकिन उस सेंटेंस में भी एक से ज्यादा सेंटेंसेस हैं, तो वो जो वाक्य है वो किसी योजक से जुड़े होते हैं। सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए एक से अधिक जब वाक्यों का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य को किसी न किसी योजक से जोड़ा जाता है, तो वो सारे वाक्य थोड़ी कहे जाएंगे, नहीं, बल्कि उपवाक्य कहलाते हैं। सभी उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से हिंदी के योजक शब्दों से, कनेक्टर से जुड़े रहते हैं, जैसे कि, जिससे, जिसे, जिसमें, ताकि, जो, जितना, क्योंकि, यद्यपि, जब, यहाँ आदि। तो ये सारे कनेक्टर्स आपको यहाँ भी दिखाई देते हैं, वो वाक्य बच्चों उपवाक्य है। अब उपवाक्य होते कितने प्रकार के हैं उनके बारे में बात करेंगे। उपवाक्य के भेद। उपवाक्य के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य जिसे हम मुख्य उपवाक्य भी कहते हैं और दूसरा आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता है एवं उसकी क्रिया मुख्य होती है, यानी कि जो प्रधान उपवाक्य है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, किसी योजक से जुड़ा नहीं होता है। जैसे मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। अब इसमें की आपको नजर आ रहा है, की क्या है? कनेक्टर है। लेकिन इस वाक्य में हमें बताना है प्रधान उपवाक्य कौन सा है, और मैंने बताया कि प्रधान उपवाक्य जो है अपने आप में स्वतंत्र है, यानी कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। तो इस वाक्य में अच्छे दिन आएंगे, ये सेंटेंस अपने आप में एक स्वतंत्र सेंटेंस लग रहा है, स्वतंत्र वाक्य लग रहा है। तो अच्छे दिन आएंगे प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि ये दूसरे पर आश्रित नहीं है, यानी कि मोदी जी ने कहा पर आश्रित नहीं है ये। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा कि अच्छे दिन आएंगे, यानी कि मोदी जी ने जो भी कहा कि अच्छे दिन आएंगे वो किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित है, लेकिन अच्छे दिन आएंगे ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है जो किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं है, यानी कि निर्भर नहीं है। इस तरह प्रधान उपवाक्य की पहचान की जाती है। अब बात करेंगे आश्रित उपवाक्य क्या होता है। आश्रित से ही पता चल रहा है कि ये डिपेंड करेगा दूसरे उपवाक्य पर। जी हाँ, आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। आश्रित उपवाक्य प्राय, क्योंकि, की, यदि, जो आदि से आरंभ होते हैं, यानी कि इन योजकों से आरंभ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, तो इस वाक्य में कि अच्छे दिन आएंगे ये क्या कौन सा वाक्य हो गया? ये आश्रित उपवाक्य हो गया, क्योंकि ये उपवाक्य पहले वाले उपवाक्य मोदी जी ने कहा पर आश्रित है। बच्चों, कभी कभी आश्रित वाक्यों के शुरू में योजक का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि जो कनेक्टर्स हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उनकी जगह पर किसका प्रयोग कर दिया जाता है? अल्प विराम, यानी कि कौमा का। जैसे मैंने बोला आपको, सभी जानते हैं कौमा वह चोर है, तो वह चोर है इससे पहले कोई योजक शब्द नहीं जोड़ा है उन्होंने, कि सभी जानते हैं कि वह चोर है, नहीं जोड़ा उन्होंने। उन्होंने क्या कहा? सभी जानते हैं कौमा वह चोर है। तो इसका मतलब इस वाक्य में की योजक के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। आश्रित उपवाक्य मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य जिसे आप नाउन क्लॉज कहते हो, विशेषण उपवाक्य जिसे आप एडजेक्टिव क्लॉज कहते हो, क्रिया विशेषण उपवाक्य जिसे आप एडवर्ब क्लॉज कहते हो। संज्ञा उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हो, उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य की पहचान ये है कि वह समुच्चय बोधक अव्यय की से जुड़ा रहता है। यानी कि आपको बताऊं कि जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान वाक्य के किसी संज्ञा, कर्ता, कर्म
अथवा पूरक के बदले में होता है वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। संज्ञा आपको पता ही है, किसी का नाम, किसी जाति का नाम। तो उनके स्थान पर अगर उपवाक्य का प्रयोग हो रहा है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। सिंपल सी बात। और संज्ञा उपवाक्य वाक्य के आरंभ में अगर आ जाते हैं तो इनके साथ की का प्रयोग नहीं होता है, अगर शुरू में ही आ गया है तो। और संज्ञा उपवाक्य जो है वो कर्ता और कर्म दोनों के स्थान पे आ सकता है, कर्ता के स्थान पे भी आ सकता है, कर्म के स्थान पर भी आ सकता है। जैसे अभिभावक जो कहते हैं सही है, तो इस वाक्य में अभिभावक जो कहते हैं संज्ञा उपवाक्य है। अभिभावक क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा के रूप में पेरेंट्स की बात हो गई ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, संज्ञा उपवाक्य। अध्यापक ने बताया कि पृथ्वी गोल है, बताया क्या कि पृथ्वी गोल है। अब की पृथ्वी गोल है, यानी कि की के बाद क्या है, पृथ्वी गोल है। इस वाक्य में पृथ्वी गोल है क्या हो गया, संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि पृथ्वी क्या है, अर्थ क्या है, संज्ञा है। इनसे पूछिए कि ये कौन है, तो इस वाक्य में की के बाद आया ये कौन है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य की पहचान ये है कि ये संबंधवाचक सर्वनाम जो तथा विभिन्न रूपों, जिसने, जिन्होंने, जिससे, जिसे, जिसके लिए, जिनका, जिन पर आदि से आरंभ होते हैं। तो विशेषण उपवाक्य की पहचान ही यही है कि ये सारे जो है ना इन योजकों से शुरू होंगे जो मैंने आपको लिखकर दे दिए। और बाकी आपको इतना ध्यान रखना है कि जहाँ जिस उपवाक्य में भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता पता चल रही है वहीं पर विशेषण उपवाक्य है। जैसे ये वही आदमी है जो कल मुझे मिला था, जो कल मुझे मिला था। अब जो को मैंने अंडरलाइन कर दिया है क्योंकि ये क्या बता रहा है आपको, विशेषण उपवाक्य की पहचान बता रहा है। दूसरा उदाहरण, बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। अब जिन्होंने को भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने जिन जिन संबंधवाचक सर्वनाम की बात की थी वो सारे अंडरलाइन कर दिए हैं कि इनका आरंभ ही इन्हीं से होता है। ठीक है, तो जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वही विशेषण उपवाक्य कहलाता है। पहले उदाहरण में जो कल मुझे मिला था, ये आश्रित उपवाक्य है, यानी कि ये डिपेंडेंट उपवाक्य है। और बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने एकता और भाईचारे का संदेश दिया है, तो इसमें महापुरुष की विशेषता बता रही है। तो जो महापुरुष की विशेषता बता रहे हैं तो ये हो गया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य में किन किन चीज़ों का आपको याद ध्यान रखना है बच्चों, कि क्रिया विशेषण भी तो तरह तरह के होते हैं। अब रही बात रीतिवाचक क्रिया विशेषण की, तो उसमें आपको कार्य करने के ढंग के बारे में ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि वह जैसे आया वैसे ही चला गया, यानी कि उसका ढंग बता रहे हैं, रीतिवाचक में आपको ढंग बता रहे हैं कि वो जैसे आया वैसे ही चला गया। दूसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक में आपको परिमाण का, नाप तोल का पता होना चाहिए कि उतना खाओ जितना पचा सको। फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आपको क्या ध्यान रखना है, स्थान का ध्यान रखना है कि जिस शहर से वह आया है उसी शहर मुझे जाना है। अब जिस शहर से आया, जाने की स्थान की बात हो रही है, तो इन चीज़ों का आपको क्रिया विशेषण उपवाक्य में विशेष रूप से ध्यान रखना है। समयवाचक क्रिया विशेषण में आपको इतना ध्यान रखना है कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, यानी कि समय की बात हो रही होगी उसमें। फिर शर्तवाची क्रिया विशेषण होता है जिसमें शर्त रखी जाती है कि यदि तुम परिश्रम करो तो अवश्य सफल होगे, अगर तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। फिर कई बार कारणवाचक क्रिया विशेषण दे दिया जाता है, कारण बताया हो जिसमें कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, क्यों नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि ट्रेन बंद है। अब क्योंकि क्या हो गया, कारणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। कहीं बार विरोधवाचक क्रिया विशेषण होता है,
कि चाहे आप कुछ भी कहें वह नहीं आएगा, तो चाहे आप कुछ भी कर लो वो नहीं आने वाला, तो ये विरोध की बात हो गई एक तरह से। तो आपको क्रिया विशेषण उपवाक्यों में बच्चों इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम किस क्रिया विशेषण के तौर पर ये पहचान कर रहे हैं, और क्रिया विशेषण के सारे भेदों की जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। अब पहला उदाहरण पढ़ते हैं। यहां तुम रहते हो, मैं भी वहीं रहता हूं, यानी कि यहां पर बात हुई किसकी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की, कि यहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य हमें पहचानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, जब मैं स्कूल पहुंचा तब वर्षा हो रही थी, यानी कि इसमें किसकी बात की है, जब मैं स्कूल पहुंचा, समयवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान ये है कि इनका प्रारंभ क्योंकि, जब, यद्यपि, जैसा, यहाँ, जिधर, अगर आदि से होता है। और क्रिया विशेषण कितनी तरह के होते हैं, बार बार मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ बच्चों कि क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेदों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैंने आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताया, परिमाणवाचक के बारे में, स्थानवाचक, समयवाचक, शर्तवाचक, कारणवाचक, विरोधवाचक, इन सब भेदों को ध्यान में रखकर ही आप पहचान सकते हैं कि ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है या संज्ञा या विशेषण उपवाक्य है। जहाँ तुम रहते हो, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है ताकि बच्चों को पता चल जाए कि रेखांकित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य है, और वो क्रिया विशेषण की विशेषता बताने के आधार पर ही क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेदों को पहचान पाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें बात की क्रिया की, रीति की, परिमाण की, स्थान की, समय की। ठीक है, जब मैं स्कूल पहुंचा, इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है ताकि बच्चों को पता चल जाए कि ये रेखांकित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो ये था उपवाक्य, उपवाक्य के भेद, और आगे आश्रित उपवाक्य कितनी तरह के होते हैं उनके बारे में बता दिया। बच्चों, आगे मैंने प्रश्न बैंक भी दिया है जिसके क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आते ही रहते हैं, यानी कि इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे हर बार परीक्षा में। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन दे दिए हैं, मैं ये नहीं कह रही कि यही 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन बेस यही रहेगा, वाक्य बदल जाएगा। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, इन्हें अच्छे से समझिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।